ओम शांति। आज का विषय है निर्विघ्न स्थिति। निर्विघ्न स्थिति कहो या विघ्न विनाशक स्थिति कहो, समाधान स्वरूप स्थिति भी कह सकते हैं। जब हम समाधान स्वरूप कहते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी छोटी मोटी बात कोई भी आए तो उसका समाधान हो जाए, बस। इसलिए अब इस पर विचार करने की जरूरत है कि ये स्थिति हमारी कैसे बने। अब दो चीजें हैं, एक है स्थिति और एक है परिस्थिति। दो चीजें हैं। अगर स्थिति हमारी शक्तिशाली है तो परिस्थिति के ऊपर विजय पैन होती है, विजय हो जाती है, समस्या का समाधान हो जाना। जो छोटा मोटा विघ्न आए उसका समाधान हो जाना तो उसको कहेंगे कि परिस्थिति के ऊपर स्थिति की विजय हो गई। तो इसमें मुख्य बात क्या रही, परिस्थिति कैसे भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि परिस्थिति का आधार क्या है, पहली बात ये समझने की है। जिसे हम परिस्थिति कहते हैं, परिस्थिति कहाँ से आती है, कैसे बनती है परिस्थिति, उसके दो आधार हैं, एक है प्रकृति एक है व्यक्ति, दो चीजें हैं। प्रकृति का क्या भाव है, प्रकृति का भाव यह कि हमारा शरीर है ये पांच तत्वों से बना हुआ है, हम सब जानते हैं, इसको हम प्रकृति कहते हैं, पांच तत्वों को प्रकृति कहते हैं। अब प्रकृति की तरफ से भी कई दफा कठिनाइयां पैदा होती हैं। ये शरीर है और अब सब जानते हैं कि समय कौन सा है, कलयुग के भी अंत का तमो प्रधान जिसे हम कहते हैं ये समय बीत रहा है। तो इस समय ये जो हमारी प्रकृति है, शरीर जो है, ये भी ऐसे तत्वों का बना हुआ है, तो इसलिए ये भी कई दफा कठिनाई पैदा करता है, कुछ ना कुछ बीमारी के रूप में, किसी ना किसी रूप में ये कठिनाई पैदा करता रहता है। तो इसलिए ये भी एक जैसे कठिनाई या समस्या का ये सोर्स है हमारा, ये प्रकृति भी सोर्स है जो कठिनाई पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति है, व्यक्ति में कोई भी हो, हमारे लौकिक संबंधी अलौकिक संबंधी संबंध संपर्क वाले कोई भी व्यक्ति कहेंगे ना, व्यक्ति की डेफिनेशन में आएगा। अब उनकी ओर से भी कई दफा कठिनाइयां पैदा होती हैं और उसका भी अंदर अगर गहराई में कारण जाएंगे तो उसमें भी स्वभाव संस्कार है। स्वभाव संस्कार आपस में ना मिलने के कारण कठिनाइयां पैदा होती हैं। उसमें भी अभी और अंदर गहराई में जाते हैं तो लगाव है, झकाव है और टकराव पैदा होता है। आप देखिए ये चीजें कठिनाई पैदा करती है संबंधों में। जहां लगाव आ जाता है तो लगाव के अंदर आप देखिए स्वार्थ आ जाता है। फिर अब लगाव आ गया, स्वार्थ आ गया, तो जरूर है कि वो हमारे निर्णय को, हमारी बुद्धि को प्रभावित करेगा। और जैसे हमारे निर्णय होने चाहिए एकदम
लगाव झुकाव से मुक्त जो निर्णय होता है वो सबके लिए कल्याणकारी होता है, अच्छा लगता है सबको। मगर जहां लगाव और झुकाव आ गया वहां बुद्धि जो है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं, स्वार्थ आ गया, कई चीजें आ जाती हैं, तो जो हमारे डिसीजंस होते हैं उसका प्रभावित होते हैं फिर, तो वो जो प्रभावित होते हैं तो उसके कारण कठिनाइयां पैदा होती हैं, विघ्न जिसे कहते कठिनाइयां पैदा होती हैं। तो इसलिए व्यक्ति भी जो है ये भी सोर्स है जो कई प्रकार की कई दफा कठिनाइयां समस्याएं पैदा करता है, लगाव झुकाव टकराव के कारण। तो इसलिए दोनों चीजें हैं, एक प्रकृति है एक व्यक्ति है। तो इसलिए ये चीजें सोर्स है, कठिनाइयां पैदा होती रहेंगी, होती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा, पांच तत्वों में भी आप देखे कई दफा प्रकृति का दूसरा रूप आप देख लीजिए, जिसमें आप देखिए मौसम के अंदर कई दफा कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, वातावरण के अंदर कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, नॉर्मल नहीं लाइफ रहती। आप देखें जोरदार तूफान आ गया, भूकंप आ गया, कठिनाइयां पैदा होती हैं। तो इस तरीके से इन चीजों से ये सोर्स है, प्रकृति भी सोर्स है, व्यक्ति भी सोर्स है, जो इस समय पर कलयुग के अंत में खास तौर पर आप देखेंगे कि इनके अंदर बदलाव होता रहता है। व्यक्ति के विचार में बदलाव होता रहता है, उसके व्यवहार में बदलाव होता रहता है, जिसके कारण भी देखेंगे कई दफा कठिनाइयां पैदा होती है, संबंधों में पैदा होती है। अब ये परिस्थितियां, ये बहुत लंबा है, ये एक लंबा कहानी बन जाएगी कि अगर हम परिस्थितियों के विस्तार में जाएंगे। बहुत ज्यादा पल पल है, हर वक्त आप देखेंगे कुछ ना कुछ, किसी ने बोल ऐसा बोल दिया जो हमें ठीक ना लगा, देखिए किसी ने कोई ऐसी बात, किसी वक्त निर्णय ऐसा ले लिया जो हमें सूट नहीं करता है, हमें कठिनाई पैदा करता है। तो इस प्रकार से ये चलता ही रहेगा। आप देखिए कारण क्या है कि ये बाहर से कुछ चीज आ रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, जो कई दफा हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब दूसरे का स्वभाव संस्कार है या प्रकृति है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उनकी तरफ से चीजें, वो कठिनाइयां छोटी मोटी पैदा हो रही हैं, होती रहती हैं। अब एक ये पहलू है हमारे सामने जिसे हम समस्या कहेंगे या कठिनाइयां कहेंगे या विघ्न कहेंगे, ये चीजें हैं हमारे सामने। अब दूसरी तरफ क्या चीज है, ये परिस्थिति में आएगा। दूसरी क्या चीज है, दूसरी है स्थिति। स्थिति का हमारा भाव क्या है, स्थिति का भाव क्या है कि मेरी अपनी स्थिति, मेरी अपनी अंदर की शक्तियां, इसमें क्या चीजें हैं, इसमें अंदर की शक्तियां कितनी, इनर पावर जिसे कहते हैं, अंदर की शक्तियां, जैसे जो चैलेंजेस को फेस कर सके हम लोग अंदर में, जो बाहर से चीजें आ रही हैं, प्रकृति से व्यक्ति से जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, कुछ भी है, उनको हम फेस कर सके, उनका समाधान कर सके, फेस कर सके, क्या मैंने समाधान या विघ्न विनाशक जिसे कहते हैं, अच्छा आई ये चीज, अच्छा ठीक है चली गई, हो गया समाधान हो गया। अब उसमें स्थिति के ऊपर है, स्थिति का भाव ये है अंदर की शक्ति हमारी कितनी है। अंदर की शक्ति किसे कहेंगे कि हमारे अंदर धीरज कितना है, हमारे अंदर सहन शक्ति कितनी है, हमारे अंदर समाने की समेटने की शक्ति कितनी है, ये अंदर की शक्ति जिसे कहेंगे। शांति की शक्ति, साइलेंस पावर, आज भी प्यारे बाबा ने मुरली में कहा साइलेंस पावर, अंदर में शांति की शक्ति, ये शक्ति है। तो ये अगर जितनी अंदर में है, अंदर की स्थिति, जितनी स्थिति शक्तिशाली है हमारी, ये चीजें हमारे अंदर ताकत में है,
ये नहीं है कि थोड़ी सी बात हुई, धीरज तो है पर थोड़ी देर के लिए, उसके बाद धीरज नहीं रहता है। सहन हम करते हैं पर हम कहते हैं कब तक सहन करेंगे, मतलब सहन शक्ति है मगर लिमिटेड है। तो सहन शक्ति अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो जाए, सब क्या हुआ, कुछ नहीं। इसलिए ये शक्तियां अगर ज्यादा है, इनकी इनकी ताकत, अगर स्थिति शक्तिशाली है, परिस्थिति क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, कोई बात ही नहीं, बस। ये अगर ताकत है, जैसे आप देखिए शरीर की शक्ति है, ताकत है शरीर के अंदर, मौसम कुछ भी बदलता है, कुछ भी होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि तो अंदर की इनको इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, इम्यूनिटी अंदर की शरीर की शक्ति है, ऐसा कुछ भी है, थोड़ा बहुत मौसम कुछ भी अच्छा, कुछ छोटी मोटी कोई चीज हुई, शरीर अपने आप ही उसको खत्म कर देता है। शरीर के अंदर बहुत ताकत है, खाने पीने में और किसी जगह से भी थोड़ी बहुत कोई चीज हुई, अंदर में वो चीज खत्म हो जाती है, बस। छोटा मोटा कोई भी चीज अंदर आई, अगर इम्यूनिटी है अंदर, जो अंदर में अंदर की ताकत है, जो चीज गलत बाहर से गई है उसको वो अंदर खत्म कर देता है शरीर। शरीर के अंदर शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, ये शरीर की शक्ति है। ऐसे हमारी आर्थिक शक्ति है, संबंधों की शक्ति है, ये शक्ति है सारी। आर्थिक शक्ति में आप देख लीजिए, अगर एक व्यक्ति जो है वो समझता है कि भाई मुझे पैसे की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कठिनाई आ सकती है, जो नॉर्मल मेरा खर्चा है वो तो ठीक है, मगर कभी अचानक कुछ खर्चा आ सकता है, शरीर का एक बीमारी के रूप में आ सकता है, किसी और तरीके से आ सकता है, तो डिपॉजिट्स होने चाहिए मेरे। तो अगर वो ये अंदर सोचता है कि मेरे डिपॉजिट्स होने चाहिए, तो हर मास कुछ ना कुछ अपना सेव करता है, सेविंग। अब वो सेविंग जो इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, तो वो जो सेविंग इकट्ठी होती रहती है, डिपॉजिट जिसे कहते हैं, वो धन की शक्ति, आर्थिक शक्ति, ये भी शक्ति बहुत बड़ी है। अब कोई चीज आ गई, छोटी मोटी बीमारी, अच्छा ठीक है मेरे पास तो पैसा रखा हुआ है, तो कुछ भी कठिनाई, अगर आर्थिक कठिनाई आती है, कुछ भी किस वक्त महंगाई बढ़ गई, आज कोई चीज भी हो गई, अब उसके पास है, कहेगा कोई बात नहीं। अब वो चीज आई मगर उसका विघ्न, ये विघ्न कहो कठिनाई को आई, खत्म हो गई बस, उसने उसको ज्यादा प्रभावित नहीं किया, क्योंकि उसके पास डिपॉजिट्स है, शक्ति है, धन की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, संबंधों की शक्ति है। अगर परिवार के अंदर यूनिटी है, संगठन है, आप देखेंगे बहुत बड़ा काम करता है। कई दफा बाहर से कई दफा कई कठिनाइयां पैदा हो जाती है परिवार के लिए, संबंधों में और चीजों में, मगर जहां पर परिवार में संगठन है, आपस में एकता है, स्नेह है, प्यार है, तो मिलकर के अच्छा कोई बात नहीं, उस मिलकर के उस बात को समाधान हो जाता है, बस कुछ भी नहीं है। और जब देखते हैं, वैसे भी देखते हैं कि जैसे कि ये तो परिवार भी बड़ा संगठित है, इनकी तो बड़ी ताकत है, तो कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करता है, उनके बारे में गलत नहीं सोचता है, नजायज तंग नहीं करता है, तो कठिनाइयां पैदा नहीं होती है, आप देखिए। तो इसलिए ये चीजें शक्तियां हैं अंदर के अंदर, ये भी शक्तियां काम करती हैं, जो छोटी मोटी कठिनाइयों को पैदा ही नहीं होने देती हैं, बस। अगर कोई हो आती भी है तो जैसे कुछ नहीं, बस पानी पर लकीर जिसे कहते हैं, बस खत्म हो जाती। तो इसलिए मूल क्या चीज हुई, अंदर की शक्ति। अगर आत्म के जैसे अपनी स्थिति स्थिति अगर स्थिति पावरफुल है, तो परिस्थिति कुछ भी है, क्या भी है, बस। जैसे कोई चीज आई, अच्छा चलेगी, पता ही नहीं लगा, कुछ भी नहीं। मैंने देखा जिनका शरीर की शक्ति अच्छी होती है, अच्छा किसी कारण से भी थोड़ा बहुत सिर दर्द हुआ, बुखार हुआ, कोई और चीज हुई छोटी मोटी, एक दो दिन के अंदर चलेगी, खत्म हो गई। क्यों खत्म होगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, कोई चीज आई मगर वो खत्म हो गई। तो इसलिए परिस्थिति हुआ ही, मगर स्थिति, क्योंकि शरीर की शक्ति अंदर उसकी अच्छी है,
धन की शक्ति अच्छी है, संबंधों के अंदर ताकत है, यूनिटी है, तो बहुत सी चीजें ये काम करती है। अब इसके अलावा एक और चीज है जो समझने की बात है, खास आध्यात्मिकता के अंदर वो चीज बहुत बड़ी चीज है। वो चीज है कि जो अपनी स्थिति है उसका आधार क्या चीज है। और ये तो स्थूल चीजें हैं, धन की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, संबंधों की शक्ति है, मगर अंदर असली चीज क्या चीज है कि उसकी जो मन और बुद्धि की स्थिति क्या है, मुख्य बात यह है। उसकी जो संकल्प शक्ति है, मन माना संकल्प शक्ति है, बुद्धि माना निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है, जजमेंट पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, ये जो शक्तियां आत्मा की हैं, अगर ये स्ट्रांग है, इसको स्ट्रांग को क्या भाव है हमारा, इसको क्या स्ट्रांग क्या कहेंगे, मन को स्ट्रांग क्या कहेंगे कि मन शक्तिशाली है, क्या भाव है, प्योर एंड पॉजिटिव है, समर्थ संकल्प का पैदा होते हैं, व्यर्थ नहीं होते। बस व्यर्थ जो है वो आत्मा को कमजोर करते हैं, आज भी बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प कमजोर कर देते हैं, डाउटफुल नेचर जिसे हम कहते हैं, अननेसेसरी सोचते रहना, जो मन कंट्रोल में नहीं है, अंदर गलत विचार पैदा करता है, डाउट के विचार पैदा करता है, आशंका पैदा करता है अंदर में, मन कई दफा ऐसा होता है, तो वो जो मन कमजोर मन है अंदर में है, वो कई दफा कठिनाइयां पैदा करता है। अब वो बाहर की चीज को आएगी, मन अंदर तो कमजोर में है, अंदर पहले ही, तो जिसका मन कमजोर है आप देखेंगे व्यर्थ संकल्प पैदा करता है, आशंका पैदा करता है, विश्वास नहीं, विश्वास ये भी मन की कमजोरी है, विश्वास नहीं, हर एक उस नजर से देखेगा, गलत भावना से देखेगा, शुभ भावना है ही नहीं है, श्रेष्ठ भावना कामना है नहीं है, कमजोर मन है। तो जिसका मन कमजोर है और प्लस बुद्धि, आप देखिए बुद्धि की क्वालिटी ठीक नहीं है, जो बुद्धि हमारी है, निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है, वही तो मेन चीज है, असली चीज तो वो है। अब वो अगर अंदर वो हमारे उसके अंदर जो क्लीन एंड क्लियर बुद्धि जिसे कहते हैं बाबा, वो नहीं है, तो हर बात में वो रॉन्ग डिसीजन ले लेगा, समाधान करने के बजाय समस्या बढ़ती चली जाएगी, वो ऐसे ऐसे फैसले करेगा, ऐसे शब्द बोल देगा, मुख से शब्द निकल जाएंगे, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, वाचा के द्वारा कई दफा ऐसे कठिनाई पैदा कर देगा, उसके शब्द ऐसे निकल जाएंगे, जो बात छोटी सी होती कई दफा आप देखेंगे छोटी सी बात में कई दफा लोगों को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है जो और समस्या पैदा हो जाती है, समाधान के बजाय समस्या का रूप और बढ़ जाता है। तो ये क्या चीज है, ये मुख्य जो हमारी आत्मा की जो स्थिति की बात है, अपनी स्थिति, स्थिति में ये चीज इंपॉर्टेंट है, मन और बुद्धि, संकल्प शक्ति हमारी कैसी है, अगर हमारे अंदर स्नेह नहीं होगा सहयोग कहां से मिलेगा। देखिए अगर हम दूसरों को सहयोग नहीं देंगे, स्नेह नहीं देंगे, रिटर्न क्या आएगा। तो ये जो अंदर कमजोरी है ना, हम दूसरे को प्यार नहीं कर सकते, इसका क्या मायने है कि हमारे अंदर जो ज्ञान की कमी है, मन बुद्धि में ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है, क्या चीज की समझ की कमी है कि एक ईश्वर है, उसकी संतान है, हम तो भाई बहन है, आज भी बाबा ने कहा क्या है, तो ये क्या चीज का अंदर कमी है ना, मन बुद्धि में अंदर ज्ञान की समझ की कमी है, या है तो ज्ञान इफेक्ट नहीं कर रहा है अंदर में। तो ये जो आत्मिक स्थिति में कमजोरी, इसको कमजोरी कहा जाता है, अंदर में शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली का क्या मायना कि उसके ऊपर ज्ञान प्रभावित है, बुद्धि में ज्ञान का प्रभाव है, श्रीमत का प्रभाव है मन बुद्धि में, तो इसलिए वो कभी रॉन्ग डिसीजन लेंगे नहीं, कोई छोटी मोटी बात आएगी उसका समाधान हो जाएगा। अच्छा, शांति में रह करके, साक्षी रह करके, अंदर में कितनी बाबा ने वाणी में बातें सुनाई हुई है, क्या उसका अच्छा कोई चीज आई है, अच्छा कोई ठीक है,
इसमें कुछ ना बोलने में ही कल्याण है, बस बात खत्म हो जाएगी। समस्या बाहर से आई, समस्या आई, मगर हमने उसको कम कर दिया, सहन करके, धीरज कर करके। अच्छा भी जैसे सूरज के आगे से बादल निकल जाते हैं, बस सूर्य में शक्ति है। इसलिए अगर आत्मा में शक्ति है, अंदर में विश्वास की शक्ति है, निश्चय की शक्ति है, ये शक्तियां हैं अंदर में। और सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर कौन सी है? सबसे बड़ी शक्ति जो ब्राह्मणों में खास तौर पर कौन सी शक्ति है? हमारे तो ईश्वरीय संतान है। देखिए कितना बड़ी भारी बात है कि ईश्वरीय संतान का क्या मायना, कि वो परम पिता हमारा जो है, वो हमारा रक्षक है, छत्र उसके हम छत्र छाया में है। बड़ी बड़ी बात आप देख लीजिए, जिसका साथी है भगवान, क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है ये विश्वास। कहते विश्वास में बड़ी ताकत होती है, मेरे साथ है वो। बाबा कहते बच्चे कंबाइंड समझो। अरे कंबाइंड का क्या भाव होता है? कि मेरे साथ है वो। कौन मेरे साथ है? जो परम शक्ति है, ऑल माइटी अथॉरिटी मेरे साथ है। तो बिघन क्या बात है, ये समस्या क्या बात है, कठिनाइयां क्या, कुछ भी नहीं है, बस मेरे साथ कौन है? तो वो एनर्जी अंदर, वो ताकत काम करती है, विश्वास की ताकत काम करती है, निश्चय की ताकत काम करती है। फिर आप देखेंगे कि अंदर में कैसी स्टेज रहेगी, क्या ये छोटी मोटी कठिनाइयां क्या है। और जो उसने समझ दी है, वो समझ भी ताकत है। नॉलेज जो जो ज्ञान है, ज्ञान भी शक्ति है। नॉलेज इज पावर कहते हैं। बच्चे कोई आपके लिए गलत होना ही नहीं है, बस कल्याणकारी है ये समय, बच्चे कल्याणकारी है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। देखिए क्या बाबा के श्रीमत क्या है, हर बात में बच्चे कल्याण है, कुछ भी है, कुछ भी। अब ये विश्वास कितना बड़ी ताकत काम करती है, किसके महावाक्य ये, किसने ये कहा है? ये स्मृति में, समर्थ स्मृति ही शक्ति है। समर्थ स्मृति, समर्थ स्मृति का क्या भाव, कि जो शिव बाबा ने समझ दी है वो काम करे, मन बुद्धि में काम करने लगे। क्या कुछ भी हम गलत है, उड़ा ही कुछ नहीं हमारा, तो है कल्याणकारी समय और ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ गलत होना ही नहीं है। देखो कुछ भी हो जाए, शरीर का कष्ट आ जाए, कोई और चीज आए, संबंधों में कोई चीज आए, कई दफा आर्थिक भी आ जाए, अच्छा कुछ भी आ जाए, किसी रूप में भी कठिनाई समस्या सामने आए, किसी रूप में भी आ जाए, पर मेरे साथ कौन है? मेरे साथ हाईएस्ट ऑफ दी हाई है, और उसकी समझ भी है, नॉलेज भी है, दोनों चीजें। तो जो समझ दी है वो भी मेरे पास है, और वो मेरा साथी भी है। तो इधर दोनों चीजें ही हमारी स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाती है। इसलिए अगर स्थिति शक्तिशाली है, मुख्य बात यह है, एक है स्थिति, एक है परिस्थिति। परिस्थिति तो आई और चली जाएगी, ये विश्वास रखो कि परिस्थिति मैना आई है और जाएगी। सब दिन हो उतना एक समान, बस। अच्छा आज ये बात है, कोई बात नहीं भाई, ठीक हो जाएगा। आज अगर संबंधों में थोड़ी बहुत कठिनाई है, आप धीरज रखो, बस कोई चीज जो है उसको बढ़ाओ नहीं, बस अपने आप देखना कोई चीज चली जाएगी। शरीर में भी कोई चीज आया, अच्छा आ गई, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अंदर में पहले सबसे बड़ी बात है धीरज, शांति, विश्वास अंदर में है, एकदम स्टेबल, स्टेबल माइंड जिसे कहते। अगर स्टेबिलिटी है अंदर माइंड की, आप देखे तो क्या चीज है, कुछ भी नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, इसका ये हल है, ये समाधान है, अच्छा भी ठीक है।
एक्यूरेट डिसीजन आएगा, एक्यूरेट डिसीजन आएगा, अच्छा ये बात आई है ऐसे कर लो भाई बस। हमारे जो बड़े व्यक्ति होते हैं, संत लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी आप देखिए, आप कोई बात लेकर के जाते हैं उनके पास, अनुभव आप लोगों के पढ़ो, उनके पास जाते हैं, उनको कोई बात सुनाते हैं, वो कहता है अच्छा ऐसे कर लो, एक मिनट में समाधान, वो ऐसा ही बात कहते हैं कि अच्छा इस बात में आप थोड़ा धीरज और शांति रखो, बस बस डोंट रिएक्ट, बस अपने सोच को ठीक रखो, अंदर में हलचल में ना रहो, जो हलचल है वो वीक, वो हमारी स्थिति को कमजोर कर दे। निर्विघ्न स्थिति का भाव ये है, हम अपनी स्थिति को बहुत ही शक्तिशाली बनाएं, और वो बनेगी जब हमारी मन बुद्धि ज्यादा से ज्यादा बाबा के साथ का अनुभव करेगी, अंदर में अनुभव करेगी। ये मेरे शब्द आप सुनो अच्छी तरह से, विश्वास अलग चीज है, अनुभव अलग चीज है। मुझे बाबा का अनुभव हो के बाबा मेरे साथ है, आज मुझे बाबा से ये चीज प्राप्त हुई, मुझे बाबा से ये शक्ति का अनुभव हुआ, ये अगर है तो इसको कहेंगे शक्तिशाली स्थिति। इस ये शक्ति, ये सोर्स है, हमारा सोर्स ईश्वर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो हमारे साथ है, तो बाकी क्या चीज है। जिसका साथी है भगवान, क्या रोकेगा आंधी और तूफान, बस निश्चय बुद्धि निश्चिंत। इसलिए अपनी स्थिति शक्तिशाली बनाने से बाहर की परिस्थितियां अपने आप, कुछ भी हो एनीथिंग, स्थिति शक्तिशाली होने से वो आई और गई बस बादलों की तरह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.